जी नाज़रीन असां हींअर मौजूदु आहियूं कराची प्रेस क्लब ते, जिते सिंध सोसाइटी जो धरणो जारी आहे। इन सिलसिले में असां हिते आयल क़ौमी ऐं सियासी कारकुननि जे हिसाब सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। जी सिंधी आहे जी, बिल्कुलु। अॼु असां इन ई सोच सां गॾु हिते गॾु थिया आहियूं त सिंध हिकु आहे ऐं हिकु रहंदी, ऐं कराची सिंध जी दिलि आहे, सिंध जो जान आहे, ऐं सिंध जेका उहा पाकिस्तान जी जान आहे। जेसीं ताईं सिंध हिकु आहे, पाकिस्तान बि हिकु रहंदो, ऐं सिंध खे टोड़णु पाकिस्तान खे टोड़ण जी साज़िश आहे। असां हुनजे ख़िलाफ़ु अॼु हिते गॾु थिया आहियूं। कॾहिं बि ईअं न थींदो त पोइ कराचीअ खे कंहिं अलॻि कयो आहे, न कॾहिं करे सघंदो। जेसीं ताईं सिंध जो बचो बचो जीअरो आहे, असां सभु आख़िरी साह ताईं विढ़ंदासीं। अगरि कंहिं बि नालो खयो कॾहिं वरी त कराची और सिंध या कराची और अंदरूने सिंध, त उनजे ख़िलाफ़ु गद्दारीअ जो केस ठहंदो इनशाला। सिंध जे सकाफ़त या रही त सिंध में सालनि सालनि ताईं क़त्ल न ॿुधंदा हुयासीं। जॾहिं क़त्ल थींदो हुयो या जहिड़ो थींदो हुयो तॾहिं बि असांजे मुआशिरे में वॾी ॻाल्हि सम्झी वेंदी हुई। हाणे जॾहिं क़त्ल थियनि था, सिंध ते वार थियनि था, सिंध जे अहम इशूज़ ते हमला थियनि था, उहे जेके गिदड़ शींहनि जूं खलूं पाए असां ते वार कनि था, उन जो सबबु इहो आहे त असां कमज़ोरी ॾेखारियूं। हुननि चयो त इहे कमज़ोर आहिनि, इहे भारिया आहिनि, लेकिन हाणे असां उन्हनि खे ॿुधाइणु चाहियूं था जीअं ताज़ो फ़रोग नसीम ऐं हलीम आदिल शेख ऐं हुनजे पोयां वॾी लाइन आहे, पर इहे माण्हू इन करे निकिरी आया जिन जी का मुआशरती हैसियत ई कान्हे, का अकेली हैसियत ई कान्हे का। उन्हनि पूरे सिंध जे 7 करोड़ आवाम खे चैलेंज कयो आहे, त हाणे असां उन्हनि खे चैलेंज करियूं था त तुम कहते हो कि कराची को अलग करेंगे, अगर तुम कहते हो कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है तो कराची सिंध की शहरक है। हलीम आदिल शेख, फरोग नसीम, कराची के अंदर ही हम तुम्हारा जीना दोबार कर देंगे। तुम समझते हो कि हमने जवाब नहीं दिया इसलिए तुम्हारा हौसला बढ़ा। हम सिंधियों के पास न पिस्टल है, न लाठी है, न गोली है, न बंदूक है, लेकिन हर जिस्म के अंदर 5 लीटर खून मौजूद है। जैसे करबला में हुसैन ने यजीद को खून से शिकस्त दी थी, कराची में हम आपको अपने खून देकर सिंध धरती के लिए फतह हासिल करें। चाहे त असां सभई इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहियूं सभई सिंधी, त जेकॾहिं उन्हनि जो को ॾोह आहे त उन्हनि खे ज़ाहिरु कयो वञे। हिकु त ॻाल्हि इहा आहे, अॼु प्रेस क्लब में तव्हां ॾिसो था त तमामु घणा धरणा लॻल आहिनि मुख़्तलिफ़ सूरतुनि जा। हिकु त शिया बिरादरी अलॻि कई आहे, उन्हनि जो बि इहो मसइलो आहे, ऐं असांजो जेको अॼु जेको मसइलो आहे उहो इहो आहे त सिंधी वहदत ते जेको वार थिए पियो उहो कंहिं बि सूरत में असां बर्दाश्त न कंदासीं, ऐं असां उन्हनि चाहिलनि खे, उन्हनि जटनि खे, उन्हनि चेरनि खे इहो ॿुधाइणु चाहियूं था। सम्झनि त हू बि था, पर हरूभरू कॾहिं कॾहिं टीवीअ ते वेही करे सिंध ऐं कराची खे जेके अलॻि कनि था उन्हनि खे असीं वरी हिते मुतहिद थी करे इहो रस ॾियणु चाहियूं था त सिंध ऐं कराची हिकु आहे, कराची सिंध जो हिसो आहे। ऐं जेकॾहिं को बि अहिड़े क़िस्म जी का सोच सोचे थो त असां हुनखे मुंहुं तोड़ जवाबु ॾियणी सलाहियत रखूं था। असां हिते इलाही माण्हू अॼु पहुता आहियूं, हीअ सिर्फ़ु असांजी हिकिड़ी झलक आहे, हीअ ईअं खणी चऊं त कंहिं फिल्म जो टीज़र आहे। असां जेकॾहिं अॻिते जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी का बि ॻाल्हि टीवीअ ते ॿुधीसीं त पोइ उनखां पोइ हिते अञा वधीक पब्लिक ऐं क्राउड अची सघे थो। सिंधी सभई गॾु आहिनि, ऐं आउं त सदाई हिकिड़ो शेर चवंदो आहियां, जेकी ईअं चवंदा आहिनि सिंध ॿ आहिनि त जंहिं सिंध चयो आहे ॿ आहिनि या पीउ घणा आहिनि जा जग वरी सिंधी में उर्दू सिंधी में ॻाल्हाए साईं। मां को जेको धमाको आहे सम्झ हिकिड़े क़िस्म जो अहिड़ो धमाको आहे जंहिंमें जेके मुखालिफ़ आहे उहे रज़ा रज़ा थी विया, जेके इहा सोच रखनि पिया त कराची सिंध खां अलॻि थिए, उन्हनि जा जेको आहे सो तिछड़ा उड़ी आहे। ऐं इनशाला ताला सदियुनि ताईं जीअं सिंध असांजी हीअ आबादु रही आहे उहा ईअं आबादु रहंदी। कराची हुजे या को सिंध जो शहर, का सिंध जी कुंड, असां कंहिंखे बि ॾियण लाइ तयारु न आहियूं। उहो कंहिंजो बि हिसो न बणबी, सिर्फ़ु उहो सिंध जो हिसो आहे। ऐं सिंध जीअं त पाकिस्तान जो हिसो आहे, असां चाहियूं था त जेके
दोस्त या सोच रखन था तो कराची सिंध का अलग थे उसे शायद पाकिस्तान जहाँ मुखालिफ आन शायद इंडिया की एजेंडा से कम था कन पे असाजे लाइको नासूर बनल अस एजेंसियों के भी चवंदी तो उन्होंने मानू की निशानदेही कर उनके पकड़े जे कराची के अलग कर चाहन सिंध का उसे सिर्फ पाकिस्तान में दरार विजन था चाहन अस कें भी इन हक में ना जो कराची सिंध का अलग थे असो सिंध जो रहवासी वो कड़ी भी बोली गाली हो इन हक में बिल्कुल ना है तो कराची अलग थे सिंध का जेके भी गलत मानू सिंध के विरायण की गाल कन था उन जो पान उर्दू गाल नोटिस वे जी असा सिंधी मानून की दिल में यह बेचैनी कर सिंध के खिलाफ़ केर भी गाल केर भी मेरी अख खड़ा अस आवाज़ उथारी जो भी इन सिंध के पाँच माँ समझे तो वो गैरतमंद मू सिंध के आवाज़ या केर भी गाल बर्दाश्त न सर मुसलसल सिंध मथा वार पा कन मुख्तलिफ़ मानून पारा मुख्तलिफ़ एजेंसियों पारा उन सिंध में कौमी खड़ी खंबी अगवा कर काफ़ी अड़ा केस असाणी जो केस पेंडिंग में पे उन मसला हल ना पाया तो असा कौमी कारकुन भी खुजन था भी जदोजहद जारी है बेहू भी काफ़ी अच्छी घड़ी सारी कौमू असाजी समाज अगवाण सिविल सोसाइटी जहाँ भी कारकुन जे नए नए कातल के अंजाम तक पहुँचाने के लिए मुसलसल जदोजहद कन पाया उनके कटेड़े में हणे कर इंसाफ छो ना मिले केस खत्म छो ना गलत गाल या को भी मेरी हक अस बर्दाश्त ना कर सकूँ सिंध असा सिंधी कौम जो धरती है तारीखी एक वतन है जो हजारे साल असा सिंधी कौम जो है जे भी उर्दू गाल जे भी केर भी विरहांगे की गाल अस उन्होंने चौंता वो सिंध जहाँ भायर असा भायर वो सिंध में भायर थी रहन तो वो बेहतर है जो भी सिंध से मेरी हक खण या केर भी सिंध के लिए गलत गाल अस ये चौदा जे मू हिंदुस्तान का आया जैसे खाने ला पीण ला पढ़ने ला को कपड़े को सिंध उन्होंने मेहमानवारी कई सिंधी मू उन मेहमानवारी में उन्होंने आदरबा कर अज इतने अची चवन था ये शहर असो अस अलग सुबह जो अस ये इन शह की मुदबत क्यों था असि मुतालबो क्यों था रहो तो सिंधी थी रहो न तो इतना हलिया वनों हाँ जी ये एक वही चाल है सिंध के टोड़ने की एक तरफ सिंध के टोड़ने की गाल कई पी वे बे तरफ सिंध जहाँ कौमी कारकुन के खंभ गुम पो वे असी चूं था असी सब सिंधी मूल अपील क्यों था वो अचन सिंध सिंध लाए सिंधी कौम के लिए एक थन पुरानी साजिश है कराची से कब्जो किया वे वक्तन बे वक्तन सजो प्रेशर जो भी सिंधी आबादी कराची के अंदर उनके डाण उतें मानु के खंबे गुम कर गोठन में सिंधी मानु की हैसियत आ बहाल न करण जो सबब खुद यो कराची में सिंधी मानु के धिके बाहर कड़े वे अस घुरता क्यों तो जे कराची अंदर साजिश कर दहशतगर्द के पाले तुम वो मू भी असरकार भी असि वही बेनकौमी सित की साजिश आ तो सिंधी मानु के कराची में कटो तो जी मुख्तलिफ वक्तन बे वक्तन इन साजिशों कदें कामेटू ठाए गंद कचरों साफ़ कर
कल जड़े मू मारा वा उन दौरान ये कामेडियो न पा ठन हाँ गंद के लिए उनके कामेडी ठहन कड़ो सबब आ सबब यो आंधी मू बर्दाश्त न तो वे कराची सिंध है सिंध असि माव इन धरती इन कराची तो असा कुर्बान थे तैयार हूँ अस एक इंच भी धारे मूँ के या सिंधी मूँ के जो खी गुम कर मारे तो वे अड़े अमल की भी मजबत क्यों था मुसलसल वार थन पा मुख्तलिफ़ किस्म से सिंधियों के हिरासा किया पो वे कौम परस्त कारकुन के खो पो वे हिंदू के मथा भी मुख्तलिफ़ किस्म से इंतहाई दुखंदड़ वाक़ा पा थन्दा अचन चवणा है उनके पुठियां कें हथ आन ऐसो असाजे विच में ही उ अनासर उ मू वेठा जे अस वेढ़ाण घुरन था उसा नान असाजा ना उरियो धुरियन जैसे भी घर में भायर चार विढ़ा तो बहरों मू नजर में होंद ताक में होंद वेढ़ाण के लिए ये मजहबी छिकताण पैदा कह सियासी समाजी मुआशी मसला पैदा कहर मून असा ना असी तो ये सिंध तो मोहब्बत की अमन की सूफिन की धरती आ असी सिंधी तो कर सोचे भी ना सूँ सिंध धरती से रहंदड़ तो सोचे भी ना सूँ तो को असा एक बे की को माँ भेण की नजर भी रखू को खराब अख रखूँ या को कतुल क्यों मख भी को मारे सूँ मोहब्बती मू एडा हि बहर मून बहर धुरियन बहर हथन उन्हें गोल्ण ला असा चौकस थियण पवो पवो अज जो ये एहतजाज इन सबूत है अज सिंध के तख्तगाह कराची में गजी कर सिंधी मानन जो एतरो समुंड ऋषि करे असा पांजो पैगाम आलमी अदालतन ताई पहुंचाएं चाहूं ता पाया छाकाण त इन मुल्क जी रियासत असा के मुख्तलिफ तरीकन सा अज़ियतों ऐं तशद्दुद थी करे कदे असा के खंभे गुम कयो तो वने त कदे असा के मारियो तो वने कदे असा जी धरती ते वार करे असा के टॉर्चर सेलन में बंद कयो तो वने असा सिंधी आवाम जेसी ताई सिंध जो बच्चो बच्चो जेरो आए पांजी वर्त कदें भी वार बर्दाश्त न कंदो पांजे सिरन जा नजराना दई भी असा पांजी धरती की हिफाजत करण चाहिंदासी आऊं पांजी रियासत सगोरी के यो बुधाण चाहिया थी तावा जे ठगी जे ठान के सिंध जो बादशाह अमाम रद्द तो करे कराची कमेटी के रद्द तो करे आर्टिकल 149 ए असा सिंध ते कदें भी लागू न थन दींदासी असा जी आलमी अदालतन के अपील थी कया तावा इनन ही कसमन तहत इनन ते ही बुनियादन ते हलफ कयो हो तावा दुनिया में किथे भी कें भी कुंड कुर्च में को फर्द मरन मरंदो तावा असा जी उनन जी पुट भराई कंदा पर असा जी धरती असा का कसी थी वने असा के खंभे गुम कयो तो वने असा के बेचैन कयो तो वने अवा असा जो आवाज बुदो असा जी बेचैनी दूर कयो धरती जे वासन जी हिफाजत कयो अवा असा जो पैगाम बुदो है दुनिया तक पहुंचायो मेहरबानी वो क्यामदू मुसीबतू अचन पे खास तौर सिंधु हिंदू मथा इन कें हथ चवण है चाहिए ऐसो बाज़ाहिर जो मंदिर वो वाक्य थो उनमें जो असा के खबर पई आ घोटकी की जी धुर है मियाँ मिठो वारी उ मुलविस है असा के हर मामले के उनका हर पासा जाचन घुर्जन मुआशी पासा जाचन घुर्जन समाजी पासा जाचन घुर्जन जैस तक अंधारियन की गाल कई इन वक्त पूरे पाकिस्तान में मू अचन था सिंध में मू अची सिंध के टोड़ की गाल कन था चंद मू आए चंद मू जो मीडिया तीन इन्फ्लुएंस है इन कर यो मैसेज वने तो पर अजो के स्टेज से भी मान में भी तुम दिखो तो उर्दू गालाइंदड़ भी हुआ पछतो गालाइंदड़ भी हुआ बियूँ बोलियों गालाइंदड़ भी हुआ हाँ तुम ऐसो पा तो पख्तून जन अगवान उ भी आया सिंध में रहंदड़ पे तो असा सिंधियों के सोचो पवन सिंध में रहंदड़ हर मू सिंधी है उन बाकी गाल बाकी हर दौर में मानून के विढ़ाया वो डिवाइड एंड रूल किया हि एक कचरो सियासत है या सियासतदान ही जो या कचरो सियासत कन पा इन कचरो सियासत के असा के गजी कर प्यार से मोहब्बत से इनके निंदो है इनके रोको सिंध की बदकिस्मती सिंधुट सिंधी समुंड कासिमपोर्ट आ एग्रीकल्चर में सिंध पाकिस्तान ठहण का वी बल्कि उन अग में भी एग्रीकल्चर में सिंध रिच रही है सजे पाकिस्तान में सिंध वट ला तदाद वसीला इतने सोन निकरे तो इतने ट्रामो निकरे तो इतने चांदी निकरे थी इतने तेल आ गैस आ पेट्रोल आ ग्रेनाइट आ इतने वे पैमाने कीमती पत्थर निकरन था असा वट हालार कारुंजर जबल आ खीरथर जबल आ जे मालामाल माद
बदनियाद सा त इहा सिंध जी बदकिस्मती आहे त सिंध शाहूकार आहे। सिंध सॼे पाकिस्तान खे पाले थी, ताते थी, ऐं उनजे करे सभु जेके आहिनि से कोशिशि था कनि त सिंध खे वफ़ाक जे हवाले कजे, सिंध खे जेको आहे सो हिते ॿ सूबा ठाहिजनि, लाड़ खे ऐं उतर खे अलॻि सूबो कजे, कराचीअ खे जुदा सूबो कजे। त बुनियादी जेका ॻाल्हि आहे उहा असां सम्झूं था त इहा जेका आहे सा जेका सिंध शाहूकार आहे ओतिरी सिंध बदनसीब आहे त उनजे ख़िलाफ़ु साज़िशूं थियूं थियनि। जनरल ज़िया एम के एम ठाही, उहा बि सिंध जे ख़िलाफ़ु साज़िश करणु शुरू कयो। वफ़ाक पहिरें ॾींहं खां सिंध जे ख़िलाफ़ु साज़िशूं कंदी आई आहे। हिते अवां ॾिसंदव त हिननि असांजे नियाणियुनि जा मज़हब मटाया, हिननि उन खां पोइ जेको आहे निमरता ऐं नायरा वांगुरु जेके आहिनि से उहे लाश ॾिना, पोइ चयो त उन्हनि ख़ुदकशी कई आहे। ही जेके आहिनि से असांजा माण्हू खंभे पहिरियां त उन्हनि खे साड़े ऐं उन्हनि जा लाश ॾींदा हुआ, उनखां पोइ माण्हू खंभे गुम कया था वञनि। अॼु बि दर्जने माण्हू जेके आहिनि से खंभियल आहिनि। त मां सम्झां थो सिंध वॾे अज़ाब में, वॾे तकलीफ़ में, वॾे ज़ुल्म ऐं जबर खे सहंदी पई अचे, ऐं हाणे वरी ई चवनि था त आर्टिकल 149 तहत सिंध खे वफ़ाक जे हवाले कजे। इमरान ख़ान साहब जेको आहे सो कराची कमेटी ठाही आहे, उनखां पोइ सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि रुगो जेको आहे एम के एम जे अॻुवाणनि हींअर न कई आहे पर गुज़िरियल 20 साल खां कंदा था अचनि। हिननि न्यूयॉर्क में बि प्रेस कॉन्फ्रेंसूं कयूं, हिननि लंडन मां बि इहो आवाज़ु ॾिनो, हिननि ॿियनि हंधनि तां बि चयो, पर मां सम्झां थो त अॼु जेको कराचीअ जा माण्हू, कराचीअ में जेको सिंध जो माण्हू गॾु थियो आहे, सिंधी माण्हू जेको हिकु ई आवाज़ु हिन, उन में मैडम आबदा परवीन हुजे, उन में असांजा अदीब दानिश्वर हुजनि, सनान खान कुरेशी ऐं असांजी क़ौमी अवामी तहरीक, अवामी तहरीक जी एस एम जा सभई दोस्त ऐं साथी, असांजा समाज सुधारक, असांजी सिविल सोसाइटी, सभु जॾहिं हिते अची गॾु थिया आहिनि ऐं उन्हनि हिकु ऐं उन में उर्दू दानिश्वरनि जो हुजणु, उते सिराकी माण्हुनि जो हुजणु, साफ़िन वकीलनि जो ऐं कानूनदारनि जो गॾु हुजणु, इहो मां सम्झा थो त हिकिड़ो ॿधी ऐं एके जो हिकिड़ो अहिड़ो निरालो अंदाज़ आहे जंहिंसां हीअ ॻाल्हि साबित थी थिए त सिंध जेका आहे उहा मुतहदा, सिंध जूं सरहदूं फितरत ठाहियूं आहिनि, सिंध जूं सरहदूं पाकिस्तान खां अॻु में ठहियल आहिनि, उनजे करे सिंध खे जेसिताईं सिंध जो हिकिड़ो बचो बि ज़िंदह आहे त सिंध जो इंच बि जेको आहे वफ़ाक एम के एम या ॿियूं क़ुवतूं नथियूं जेके आहिनि से जुदा करे सघनि। महिरबानी। महंदे ते जेको आहे रखियो वियो आहे, उन सां गॾु जेको आहे साईं जो हिकिड़ो ॿियो साथी बि आहे, छा साईं जे मथां कहिड़ा जेके आहिनि केस दाख़िल आहिनि या असांजे सिंधियुनि जे हक़ में साईं जी जेका जदोजहद जारी रहण जे करे जेको असांखे मुख़्तलिफ़ क़िस्म सां हिरासा कयो पियो वञे? दादा, सभ खां पहिरीं त आउं इहो चवंदुसि त हिन मुल्क अंदरि चाहे कंहिं ते केस हुजनि या न हुजनि, पर हितां जे इदारनि, कोर्टुनि ऐं कानूननि जी तव्हां सभिनी खे, असां सभिनी खे ख़बर आहे त हिते को बि कानून ऐं को बि इदारो न आहे कंहिंखे कहिड़े बि टाइम खंभे सघिजे थो। उन जे लाइ हिन रियासत अॻियां केसनि जी ज़रूरत न आहे। अलहमदिल्ला मसूद शाह ते को बि अहिड़ो केस न आहे ऐं बग़ैर केस जे जेको आहे सो जिबरी तौरु खंभे गुम कयो वियो आहे। ऐं उन खां अलावा असांखे जेको ख़दशो आहे त शहीद इरशाद रांझाणी जे केस में मसूद शाह मर्कज़ी विटनेस तौरु आहे, जंहिंखे कोरट सूमर जे ॾींहुं घुरायो हुयो, ऐं 22 तारीख़ फर्दे जुर्म आयद थो थिए रहीम शाह ऐं उनजे साथियुनि ते, ऐं 12:30 जे टाइम ते मसूद शाह जिबरी तौर ते खंभे गुम कयो वञे थो। सो असांखे यकीन आहे त इरशाद रांझाणी जे केस में मसूद शाह मुड़ुस माण्हू थी हिन क़ौम जी, सिंधी माण्हुनि जी, पंहिंजे कारकुननि जी वारसी कई आहे। सो असीं मायूस न आहियूं, पर अक़वाम मुत्तहिदा में वेठल पंहिंजे दोस्तनि, सहाफ़ियुनि, अदीबनि, दानिश्वरनि ऐं हिन मुल्क में मौजूदु बाशऊर माण्हुनि खे असीं इहा अपील था कयूं त ख़ुदारा असांजे आवाज़ सां हिकु आवाज़ु थियो ऐं असां सां गॾिजी न सिर्फ़ु मसूद शाह जी ज़िंदगी खे बचायो वञे, पर उन सां गॾोगॾु शहीद इरशाद रांझाणी जे क़ातिल रहीम शाह खे कैफ़र किरदार ताईं पहुचाइण जे लाइ असांजो साथ ॾियो। ऐं मां तव्हां दोस्तनि जे तवसुल सां हिकु ॿी शइ रखां त असीं शहीद इरशाद रांझाणी जा जेको आहे सो फैमिली मेंबर ऐं मसूद शाह जा क़ौमी कारकुन दोस्त साथी गॾिजी करे असीं अवामी प्रेस क्लब मेमण गोट ते हींअर कुझु टाइम खां पोइ प्रेस कॉन्फ्रेंस करणु वेंदासीं। तव्हां दोस्तनि खे सोशल मीडिया जे ज़रिए ऐं हिते मौजूदु दोस्तनि खे ॿुधायूं पिया त असीं कुझु
टाइम का प्रेस कॉन्फ्रेंस करें अग्या जो लाए अमल तय कंदासी। शहीद इरशाद रांझाणी जा वारिस भी असा सा गड मौजूद आन, वकील दोस्त भी गड आन, जी एस एन तहरीक जहाँ मरकजी अगवान भी असा सा गड आन। अस अग्या जो लाए अमल मलिर अवामी प्रेस क्लब मेमण गोट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें पधराई कंदासी अग्या जो लाए अमल की के धार करण जो गालू कन पा या असा के जो उन में मुंझाण जो गालू कन पा छा चो हाँ इन अमल जी सख्त लफ्जन में मजम्मत कया थी। सिंध के मानुन के मुख्तलिफ तरीकन से अजियतू दिनों थी वन टॉर्चर दिना था वन। अगर भाऊ मसूद शाह उनमें कुछ उन मथा अगर केसिस आन तो उनके जाहिर कयो वने जबरी गुमशुदगियों की असा सख लफ्जन में मजम्मत क्यों था। पाँची रियासत सगोरी के भी ये बुधा चुका हूँ तो बाबा अगर कें भी सिंधी फर्द जो को डो है जुर्म है तो उनके अदालत में पेश कयो वने। इं जे तां कंदव तो इनके असा सिंधी मानू कते भी बर्दाश्त न कंदासे। यो बर्दाश्त जो अमल ना है असा के रोडन ते निकरण ते मजबूर न कयो वने। एक बादशाहूर सियासी कारकुन उनके जल्द का जल्द जाहिर कयो वने। उनके घरवारन के सिंधी मानन के सिंध के जवानन के परेशान न कयो वने। असा जो आवाज दबाने जी कोशिश कई पी वने मुख्तलिफ तरीकन सा। भाऊ मसूद शाह एक पुराजम एक बादशाहूर कौमी कारकुन है उन सा गड भाऊ शौकत मरखंड है उनके भी खंभे गुम कयो वयो है। आऊं इंतजामिया के हद जे जेके भी आन पुलिस वारा आन पुलिस अमलदार आन इंतजामिया है उनन के यो उनन सा यो ही मुजो उनन का मुतालबो है ते उनन के जल्द का जल्द जाहिर कयो वने। जे खानदान सा मिली करे उन्हें जी असा के इहा पक जाराई वने तो वे किथे आन वे सही है सलामत आन तो जी असा घर में चुप करे वे न तो असा के बाहर निकरण ते मजबूर न करण घणो गंद है गमसान थी सके तो। अची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ जिते तो सियासी ए समाजी मानन के बारे गाल बोल बुधी जयराम पड़ियार सोच टीवी गडाप कराची।